कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुश आमदीद। मोहम्मद बिन सलमान ने बिल आखिर उम्मत का शिराजा बखेर ही दिया, मुसलमानों का मान तोड़ दिया। लाख कोशिशों के बावजूद अपनी बादशाहत और अय्याशियों को बचाने के चक्कर में मोहम्मद बिन सलमान और मुत्तहिदा अरब अमारात ने यहूदियों के साथ हाथ मिला लिया। पाकिस्तान का तुर्की चीन की तरफ झुकाव, सऊदी अरब मुत्तहिदा अरब अमारात आग बगोला हो गए। पाकिस्तान का गद्दार अरब ममालिक को बेनकाब करने का प्लान। हम किसी से डरने और झुकने वाले नहीं, सिर्फ हक बात सुनी जाएगी। पाकिस्तानी क़यादत ने दो टोक फैसला सुना दिया। सऊदी वली अहद की बिलआखिर बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। सऊदी अरब के चार खतरनाक मुतालबात सामने आ गए। सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने की कौन सी बड़ी कीमत वसूल कर रहा है? दोस्तों, आज की वीडियो में ऐसे होशरबा इंकशाफात आपके सामने लाए हैं जो इस बात को वाज़ेह कर देंगे कि अरब ममालिक इस्लाम के नाम पर मुसलमान ममालिक के साथ कौन सा घिनौना खेल खेल रहे थे और हैं, जिसको अब पाकिस्तान, तुर्की और चीन बेनकाब करने जा रहे हैं। उम्मते मुस्लिमा का लीडर अब कौन बनने जा रहा है, इससे मुतल्लिक भी बड़ी खबर आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। अब तक की ताज़ा तरीन और बड़ी खबर के मुताबिक सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम करने का फ़ैसला कर लिया है। लाख कोशिशों के बावजूद सऊदी अरब टला नहीं, टलता भी कैसे? दोस्तों, इसकी दो बड़ी अहम वजूहात हैं जो आज हम आपसे शेयर करेंगे। सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने पर मुस्लिम उम्मा के रद्द अमल को कम करने के लिए माहौल भी बना रहा है। सऊदी अरब इंटेलिजेंस के साबिक सरबरा शहजादा तुर्की अल फैसल ने इंकशाफ किया कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने की बहुत बड़ी कीमत वसूल कर रहा है। तजियाकारों का कहना है कि एक हकीकत है, इस हकीकत को छुपाने के लिए सऊदी अरब माहौल बना रहा है ताकि इसके बाद जो रद्द अमल आएगा वो शदीद ना हो। इस वक्त सऊदी अरब मुस्लिम उम्मा के साथ डबल गेम खेल रहा है। सऊदी वली अहद चाहता है कि वो इसराइल को तस्लीम करके अपनी बादशाहत पर मजबूत मोहर लगवा ले, क्योंकि अमरीकी सदर ट्रंप के दामाद जेरेड क्रिश्नर ने भी गुज़िश्ता दिनों ये वाज़ेह किया था कि अगर मोहम्मद बिन सलमान इसराइल को तस्लीम करने में राह हमवार करेंगे तो यकीनी तौर पर वाइट हाउस उनको मजबूत बादशाह बनाने में अहम रोल अदा कर सकता है। अब सऊदी अरब की कोशिश है कि वो एक ऐसा खेल खेले जिसमें उसकी बादशाहत भी कायम रह जाए और मुस्लिम उम्मा की सदारत भी सऊदी अरब के पास ही रहे। कुछ चीज़ें सामने आई हैं, खबर बड़ी मुस्तनद है। सऊदी अरब का बुनियादी फैसला यही है कि वो इसराइल को तस्लीम करेगा, लेकिन पाकिस्तान सऊदी अरब की इस डबल गेम को ख़राब कर चुका है। पाकिस्तान की अस्करी क़्यादत का दौरा सऊदी अरब इसी तनाजर में था, एक कश्मीर इशू और दूसरा इसराइल। पाकिस्तान की अस्करी क़्यादत ने सऊदी अरब को वाज़ेह पैगाम दे दिया था कि अगर इसराइल को तस्लीम किया गया तो फिर पाकिस्तान आज़ादाना तौर पर मुस्लिम उम्मा का एक नया इतिहाद बनाएगा। शहजादा तुर्की अल फैसल सऊदी इंटेलिजेंस के साबिक चीफ हैं, वो सऊदी बादशाह के बहुत करीब हैं। उनका बयान है कि सऊदी अरब इस कीमत पर इसराइल को तस्लीम करेगा जब खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत कायम हो जाएगी और यरूशलम उसका दारुल हुकूमत होगा। हर मुल्क इसराइल को तस्लीम करने की कीमत वसूल कर रहा है। सऊदी अरब की कीमत खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का क्याम है। इसराइल के इंतजाम के मंसूबों को भी रोका जाएगा। इसी तरह यूएई के वजीर मुमलिकत ब्राय खारजा ने अमरीकी टैंक टैंक्स को बताया कि बहुत से अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम करने के लिए राबतों में हैं। अंदरूनी खबरों के मुताबिक इस वक्त तुर्क सदर और इमरान खान के बैकडोर राबते जारी हैं, जो सऊदी अरब समेत अरब ममालिक के इसराइल को तस्लीम करने जैसे इकदामात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। इस वक्त मुस्लिम उम्मा दो बड़े ब्लॉक में बटी नज़र आ रही है, एक वो ब्लॉक जो इसराइल को तस्लीम करने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ खड़ा है, जबकि दूसरा ब्लॉक पाकिस्तान, तुर्की और ईरान है, जो वाज़ेह तौर पर फलस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के लिए सीसा पलाई दीवार बने खड़े हैं और कश्मीर समेत फलस्तीनी मुसलमानों की हिफाजत के लिए हर कीमत अदा करने के लिए
तैयार हैं। ईरान को इस वक्त चीन ने मजबूत करना शुरू कर दिया है। ईरान चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान सी पैक मंसूबे में शामिल होने जा रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान और ईरान की कुर्बतें पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तुर्की पहले ही पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा है। इस तरह तीन बड़े मुस्लिम ममालिक तुर्की, पाकिस्तान, ईरान चीन के साथ मिलकर एक नई ताकत का मुजाहरा करने जा रहे हैं। खबरें यहां तक आ रही हैं कि ईरान को चीन इस्लामी दुनिया की दूसरी बड़ी जोहरी ताकत बनाने जा रहा है। हाँ, अगर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम ना करके चीन के साथ खड़ा हो जाए तो चीन सऊदी अरब को भी जौहरी टेक्नोलॉजी देने के लिए बिल्कुल तैयार है। जर्मनी इदारे ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान ने रिस्क लेकर सऊदी अरब के बाद मुस्लिम उम्मा को लीड करने का फैसला कर लिया है, जिसमें तुर्की, चीन, ईरान और रूस पाकिस्तान की पुश्त पर होंगे। यहां धमाकेदार खबर के मुताबिक अगर ये इतिहाद कायम हो गया और पाकिस्तान उम्मते मुस्लिमा को लीड करने के लिए आगे आ गया तो फिर पाकिस्तान दीगर ममालिक के साथ मिलकर उम्मते मुस्लिमा की एक नई नेटो तर्ज की फोर्स तश्कील देगा, जो आलमी ताकतों के लिए एक इंतहाई बुरी खबर है। एक बात तो तय है, सऊदी अरब के हुक्मरान इंतहाई अयाश हैं और मौजूदा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने तो सबका तमाम बादशाहों, बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि अपने अबाओ इजदाद के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं तो कुछ गलत ना होगा। सऊदी मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार तेल पर ही है, लेकिन बड़ी खबर के मुताबिक जिन ममालिक को सऊदी अरब तेल बेचकर अपने अयाशी के अड्डे चलाता था, अब उनमें से बड़े मुस्लिम और गैर मुस्लिम ममालिक ने सऊदी अरब से अपनी राहें जुदा करने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, इनमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। तुर्की, ईरान, चीन, पाकिस्तान इतिहाद के बाद सऊदी अरब जान गया था कि बहुत जल्द सऊदी अरब के तेल की मांग खत्म होने वाली है, क्योंकि चीन ने ईरान के साथ 25 साल अरबों डॉलर का मुआहदा कर लिया है, जिसके बाद जहां चीन जो लाखों बैरल सऊदी तेल हर साल सऊदी अरब से लेता था, अब चीन ने ईरान के साथ मुआहदा करके सऊदी तेल को भी खैरबाद कह दिया है। हाल ही में तुर्की ने गैस के बहुत बड़े ज़खीरे के दरियाफ्त होने का ऐलान करके अरब ममालिक के लिए खतरे की घंटी बजा दी थी। इसमें अहम बात यह है कि तैयब उर्दगान ने अपनी तकरीर में ना सिर्फ गैस बल्कि तेल के जखायर की भी खुशखबरी अवाम को सुनाई थी, जिसमें तैयब उर्दगान का कहना था कि बहुत जल्द हम कीमती कुदरती जखायर का ऐलान भी जल्द करेंगे, जिससे ये बात वाजिया है कि तुर्की के पाकिस्तान और चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। दोस्तों, इस तमाम सिनेरियो में सऊदी तेल की मांग इंतहाई कम होकर रह जाएगी। जाहरी सी बात है, इस तेल को बेचने के लिए और सऊदी बादशाहों ने अपना हुक्का पानी चलाने का कोई तो बंदोबस्त करना था, जिसके लिए अब उन्होंने गैर मुस्लिम ताकतों के साथ अलेलान हाथ मिलाने का फैसला कर लिया है। अमेरिका को खुश करने के लिए सऊदी अरब ने चीन के साथ गुज़िश्ता साल किए गए 10 अरब डॉलर के मुआहदे को मंसूख कर दिया है। मतलब साफ है, सऊदी अरब गैर मुस्लिम ताकतों, अमेरिका और इसराइल के ब्लॉक में शामिल हो चुका है। सऊदी अरब पाकिस्तान से ताल्लुकात उस वक्त ही बिगाड़ चुका था जब गुज़िश्ता साल अक्वामे मुत्तहिदा के दौरे पर इमरान खान ने तैयब उर्दगान और महातीर मोहम्मद से साइड मीटिंग्स की थी। मोहम्मद बिन सलमान उस वक्त से ही पाकिस्तान से नाला हैं। पाकिस्तान भी सऊदी अरब से खुश नहीं, जिसकी सबसे बड़ी वजह कश्मीर इशू पर सऊदी अरब की तरफ से भारत की हमायत है। मौजूदा हालातों वाकयात में सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर 4 बड़े मुतालबात पेश कर दिए हैं। पाकिस्तान को अब सऊदी अरब की तरफ से किसी भी खतरनाक ऐलान की सूरत में अपनी फुल तैयारी रखनी होगी, क्योंकि अब सऊदी अरब यकीनी तौर पर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कोई ना कोई बड़ा फैसला ज़रूर करेगा, जिसकी एक छोटी सी झलकी पाकिस्तान से 1 अरब डॉलर की फौरी वापसी की सूरत में दिखाई गई थी। सऊदी अरब बहुत जल्द पाकिस्तान से 4 बड़े मुतालबात करने वाला है। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब इन 4 मुतालबात में से किसी एक में से भी पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान को सऊदी अरब की तरफ से आने वाले तूफान के लिए तैयार रहना होगा। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब,
और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।